इन्वेस्टर्स, सीमेंट सेक्टर में काफी बूम बना हुआ है। आइए जानते हैं इस बूम के पीछे कारण क्या है। पिछले दिनों सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक पैकेज की घोषणा की थी। उनका जो डायरेक्ट फायदा इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनियों को रहा है, जिसमें से सीमेंट कंपनियां भी एक हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं अल्ट्राटेक सीमेंट की, जिसका नेट प्रॉफिट लगभग डबल हो गया है, 1700 करोड़ रुपये पे बना हुआ है, जो पिछली बार 793 करोड़ रुपये था। और सालाना आधार पर कंपनी की जो इनकम है वो 54% बढ़कर 11,830 करोड़ हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी ने का जो मार्जिन और प्रॉफिट है वो भी काफ़ी बड़ा है। इससे इस बात का अंदाज़ा लाया जा सकता है कि कंपनी ने वक्त से पहले ही अपना 5,000 करोड़ रुपये का, जी हाँ 5,000 करोड़ रुपये का लोन समय से पहले चुका दिया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी कितनी प्रॉफिट में चल रही है। और कंपनी के पिछले 10 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 13% पे बना हुआ है, और पिछले 10 साल का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ जो है वो 22% पे बनी हुई है, जो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के हिसाब से काफ़ी अच्छी मानी जा सकती है। और टेक्निकल एस्पेक्ट पे बात करें तो कंपनी का जो स्टॉक है वो 50-day और 200-day मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि इसको काफ़ी बुलिश बनाता है, और इसके वॉल्यूम में लगातार जो ग्रोथ देखी जा सकती है। अप्रैल से स्टॉक में जो कंसोलिडेशन के फेज में था वो अब आके एक बूम में चेंज हुआ है। आइए हम यही चीजें चार्ट पे समझते हैं कि स्टॉक कैसे चला। देखिए, स्टॉक कुछ समय से इसमें डाउन ट्रेंड दिख रहा था, और धीरे धीरे इसमें जो कंसोलिडेशन का फेस आके उसमें फिर सस्टेनेबल ग्रोथ दिखाई दी। यहाँ आके स्टॉक ने फिर कंसोलिडेट हुआ। उसके बाद जब स्टॉक 6,816 के स्तर पे पहुंचा तो इसमें बूम दिखाई दिया। तो इसका सीधा असर यह पड़ रहा है कि जब गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो आने के बाद इस स्टॉक ने काफ़ी गति पकड़ी है। ये आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। जिसके पास इस स्टॉक है वो होल्ड कर सकता है, और उसमें आने वाले समय में एक नया लेवल देखा जा सकता है। डियर इन्वेस्टर्स, अब आपको किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, अपना नंबर भी छोड़ सकते हैं, मैं आपसे डायरेक्ट संपर्क करूंगा। और मोकेम्बो को सब्सक्राइब करना ना भूलें।